खड़े हैं नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पर। ये नोएडा का डीएनडी फ्लाईवे है, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नोएडा का डीएनडी फ्लाईवे है जहां से आज राहुल गांधी हाथरस दोबारा जाने के लिए आ रहे हैं और पुलिस ने राहुल गांधी को बिल्कुल सीमा में घुसने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था मुस्तैद कर दी है। पुलिस की कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त कर दी गई है कि नोएडा में घुसना राहुल गांधी के लिए बिल्कुल नामुमकिन होगा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, मेरे पीछे ये तमाम गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट इलाके के तमाम आला अधिकारी यहां खड़े हुए हैं, जॉइंट सीपी, डीसीपी और जितने भी एसीपीज हैं इस शहर के, वो सभी यहां खड़े हुए हैं। और मैं एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ तमाम वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वाहन सड़कों पर किलोमीटरों लंबी कतारें लगा दी गई हैं क्योंकि रूट वन वे ट्रैफिक भी कर दिया गया है। और यहाँ पर पुलिस ने इस कदर व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। और मेरे ठीक दूसरी तरफ कांग्रेसी एकजुट होना शुरू हो गए हैं, कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के आने का इंतजाम भी कर रखा है। बिल्कुल एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर राहुल गांधी को इस बार इस डीएनडी फ्लाईवे से नोएडा शहर के अंदर बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसी भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पहली बार जब राहुल गांधी यहाँ से आए थे तो किसी तरह से वो यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुँच गए और वहाँ क्या कुछ हुआ वो आपने बीते दिनों में देखा था, सुना था। लेकिन आज पुलिस ने बिल्कुल चूक नहीं करेगी, पुलिस किसी तरह की चूक नहीं होने देगी। मुकेश गुप्ता, नोएडा समाचार 24।